अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप आर्मी यानी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी एडमिशन डिटेल और स्कॉलरशिप वाले से इन्फॉर्मेशन हो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में आपके साथ जो है ना GDP जो 154 सेशन है उसके जो है ना रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। ठीक है, मेल और फीमेल जो है ना इसमें अप्लाई कर सकती हैं। कौन कौन सी मेल्स किस डिग्री इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती है, कौन कौन सी फीमेल जो है ना किस डिग्री इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर वो अप्लाई करना चाहती हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ना इनका नोटिफिकेशन आ गया था यकम अगस्त से। ठीक है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 अगस्त है। इसमें जो सबसे पहले जो अगर परमानेंट कमीशन यानी कि अगर आप 154 जनरल ड्यूटी पायलट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है ना 16 से 22 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, मेल सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 4 इंच हाइट होनी चाहिए, ये आइज जो है ना वो 6x6 होनी चाहिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके। FSC प्री इंजीनियरिंग मेडिकल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ए लेवल विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी विद इक्विवेलेंट्स FSC। ठीक है, FSC विद फिजिक्स और 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट प्री मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 4 ईयर होगा। BS डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, अवार्ड ऑफ BS डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद जो है ना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में जो मेल और फीमेल दोनों जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। मेल की हाइट 5 फीट 4 इंच और फीमेल की जो हाइट है वो 4 फीट 10 इंच होनी चाहिए। एजुकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो कैंडिडेट मस्ट हैव पास मिनिमम 65% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके FSC इंजीनियरिंग में। ठीक है, विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, और इसमें जो है ना आपकी 4 ईयर ट्रेनिंग पीरियड होगा। और BS इंजीनियरिंग एरोस्पेस एंड एवियोनिक में जो है ना आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद एयर डिफेंस के कोर्स के लिए जो ना स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो 16 से 22 ईयर होनी चाहिए। नेशनैलिटी मेल सिटीजन, ओनली मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, हाइट जो है 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। 60% से आपके अबव मार्क्स होने चाहिए। FSC प्री इंजीनियरिंग मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको अवार्डिंग डिग्री मिलेगी वो एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री जो है ना आपको मिलेगी 4 ईयर के बाद। 12th लिंग्विस्टिक कोर्स, एज जो है 16 to 22 ईयर होनी चाहिए। मेल फीमेल स्टूडेंट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच और फीमेल जो है ना वो मिनिमम जो 4 फीट 10 इंच होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है 60% अबव मार्क्स होने चाहिए आपके अप्लाई करने के लिए। FSC प्री इंजीनियरिंग मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको डिग्री मिलेगी वो एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी। उसके बाद 29 एडमिट एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स, 16 से 22 ईयर एज होनी चाहिए आपकी। नेशनैलिटी मेल और फीमेल सिटीजन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनमेरिड, हाइट 5 फीट 4 इंच, मेल की और फीमेल की 4 फीट 10 इंच होनी चाहिए। 60% अबव मार्क्स होने चाहिए आपके। FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो आपको डिग्री मिलेगी वो एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री जो है ना मिलेगी। उसके बाद 154 जनरल ड्यूटी पायलट मतलब GDP, जो GDP का मेन जो है ना कोर्स, इसमें जो ज़्यादातर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, मेल के लिए सेपरेटली और फीमेल्स के लिए सेपरेटली है। ठीक है, 16 से 22 ईयर एज, नेशनैलिटी फीमेल सिटीजन, अनमेरिड, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच और 6x6 आई जो है ना वही होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए 60% अबव मार्क्स होने चाहिए आपके FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल कंप्यूटर साइंस वगैरह में। ठीक है, इसमें जो है ना आपको डिग्री जो मिलेगी वो एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी। एयर डिफेंस के लिए जो है ना मेल सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और 18 से 30 एजुकेशन होनी चाहिए। मेल सिटीजन, अनमेरिड, 5 फीट 4 इंच हाइट, रैंक जो है फ्लाइंग ऑफिसर होगा। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर जो है ना रैंक होगा। एजुकेशन, इसमें जो एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं, BSc, BS, BE, BCS, 4 ईयर जो है ना एजुकेशन होनी चाहिए, फिजिक्स कंपलसरी। ठीक है, मिनिमम जो है ना सेकंड वीएन के स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई कर, मतलब आपकी अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो सेकंड वीएन आपकी जो है ना कंपलसरी है। ट्रेनिंग पीरियड जो है ना 1 ईयर है। उसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स 130 CSC, इसमें जो है ना एज लिमिट 18 से 30 है। मेल सिटीजन, अनमेरिड या अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाइट जो 5 फीट 4 इंच, फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। ठीक है, जब आपकी 24 वीक की ट्रेनिंग मुकम्मल होगी तो फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BS सिविल इंजीनियरिंग, BBA, BPA, BS 4 ईयर, MA, MSc, MBA, MPA विद मिनिमम सेकेंड ईयर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीजन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC, उसके जो है CGP जो है ना वो 2.5 से अबव होनी चाहिए और मिनिमम 62.5 मार्क्स विद एनुअल सिस्टम फॉर द
रिप्यूट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान फॉर यू रिकॉग्नाइज बाई एच ई सी पी ई सी, ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अकाउंट ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट या अनमेरिट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल की 5 फीट 4 इंच हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 4 फीट 10 इंच हाइट होनी चाहिए। आपको 24 वीक्स के ट्रेनिंग के बाद जो रैंक मिलेगा वो फ्लाइंग ऑफिसर होगा। इसमें बी कॉम, बी बी ए, एम कॉम, एम बी ए, ए सी सी ए, ए सी एम ए, बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद मिनिमम सेकेंड ईयर फॉर पाकिस्तानी एंड फोरिजन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई एच ई सी। उसके बाद जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 ईयर, नेशनैलिटी मेल सिटीजन, मैरिड या अनमेरिड। जो आपको 24 वीक के बाद जो रैंक मिलेगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। एम एस बी एस इन कंप्यूटर साइंस, आई टी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, बिग डाटा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी विद मिनिमम सेकेंड ईयर जो है ना आपकी होनी चाहिए। एम ई टी ब्रांच जो है ना एज 18 to 30 ईयर, मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड या अनमेरिड, 5 फीट 4 इंच हाइट होनी चाहिए। आपको जो 24 वीक के बाद ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो रैंक मिलेगा वो फ्लाइंग ऑफिसर होगा। बी एस एम एस इन मेट्रोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, इन्वायरमेंटल साइंस, बी एस एम एस जियोग्राफी विद मैथ इन फिजिक्स, विद मैथ इन एफ एस सी। एफ एस सी जो है ना आपने मैथ से ज़रूर की हो, ठीक है, मतलब कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जिनके एफ एस सी प्री मेडिकल में। उसके बाद एजुकेशन ब्रांच में 21 से 30 ईयर, जो है ना नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैरिड या अनमेरिड, ठीक है, कोई भी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी। हाइट जो है आपके सामने, रैंक जो है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स। इसमें जो मैनेजमेंट साइंस के आपने एम बी ए, एम एस, एम फिल वगैरह जिसमें भी की हो, मैथमेटिक, इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी, इंग्लिश, उसके बाद लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद इस्लामियात वगैरह जिसमें भी आपने जो ना स्टडी की हो, स्टूडेंट जो ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी के जो ना स्टूडेंट जो ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ना इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट जो ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज, नेशनैलिटी, सिटीज़न, में मैरिड फीमेल, जो 24 वीक के बाद आपको रैंक मिलेगा वो फ्लाइंग ऑफिसर होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन स्टूडेंट्स की बी ई, बी एस, बी एस सी 4 ईयर है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री में विद मिनिमम सी जी पी 2.5 और मिनिमम 62.5 मार्क्स विद एनुअल सिस्टम फॉर्म, आर रिप्यूटेड पाकिस्तानी और फॉरिजन जिधर से भी आपने किया है, ठीक है। उसमें जो एरोस्पेस, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एवियोनिक, टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें भी आपने जो किया है इसमें सिर्फ मेल ही हैं, मेटलर्जिक और केमिकल इंजीनियरिंग के सिर्फ मेल ही हैं, बाकी जो फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स ब्रांच में जो है 18 से 13 ईयर, एजुकेशन मेल और फीमेल दोनों, हाइट वगैरह सेम ही है, ठीक है। रैंक जो फ्लाइंग ऑफिसर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये बी बी ए, ठीक है, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, बी एस सी एस, बी एस आई टी, बी सी एस, बी एस वगैरह में, ठीक है। उसमें जो सेकेंड ईयर से वो होनी चाहिए आपकी, और जो रैंक आपको मिलेगा वो फ्लाइंग ऑफिसर 24 वीक के बाद, ठीक है। सिलेक्शन सबसे पहले जो ना आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद जो ना आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, ठीक है। जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस टेस्ट और लिंग्विस्टिक्स वगैरह, इंग्लिश एंड फिजिक्स। और उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट, और 130 CS के लिए जो टेस्ट होगा वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। फिर ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है। सबसे पहले जो ना आपकी 3 चीज़ें होंगी, पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, ठीक है। फिर जो ना आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि आपको सेंटर में बुलाएंगे, ये टेस्ट भी जो ना आपका सेंटर में ही होगा, लेकिन जो ना कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 चीज़ें जो है ना पहले आपके इनिशियल टेस्ट में होंगी, ठीक है। जैसे ही आप इनिशियल टेस्ट पास करेंगे तो आपको उधर ही पता चल जाएगा जी आपने इनिशियल टेस्ट जो है ना पास कर लिया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको फॉर्म दिया जाएगा, उन्होंने वो फॉर्म फिल करके सबमिट करवाना है। उसके बाद उनको ISSB के लिए जो है ना लेटर भेजा जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी डिटेल फॉर ISSB, ठीक है। फिर वहाँ पर उनका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। कोहाट में आता है, गुजरांवाला में आता है, मलीर में आता है, कोयटा में आता है, जिधर भी आता है। फिर फाइनल मेडिकल होगी उनकी, ठीक है। किसी भी CMH रेफर कर सकते हैं जो आपको करीबी पड़ता है। फिर फ्लाइंग एप्लीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। फिर इंटरव्यू बाय AHQ, स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर CSC कैंडिडेट्स ओनली। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन बाय एयर हेडक्वार्टर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। उसके बाद आपकी फिर मेरिट लगेगी, फिर जो है ना आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, फिर उसमें मेरिट में आपका लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये एक दफ़ा जो है ना फिर से पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद एलिजिबल कंडीशंस
ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें यही है कि कोई भी कैंडिडेट जो है ना 3 दफ़ा जो है ना रिजेक्ट ना हुआ हो ISSB में, ठीक है। अगर तो आप FSC के स्टूडेंट हैं तो FSC के स्टूडेंट जो है ना सिर्फ 2 दफ़ा रिजेक्ट हुए हों ISSB में, ठीक है। ये ट्वाइस रिजेक्टेड बाई FSC फॉर इंटरमीडिएट, एंड जो थर्ड रिजेक्शन होगी FSC वंस रिजेक्शन बाई IFSC। मतलब यही है कि जो 3 चांस होते हैं, 2 FSC के बाद होते हैं, एक जो है ना चांस वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। तो ये जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं टेस्ट सेंटर जो है इनिशियल के लिए वो यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन नो, यहाँ से जो है ना आपने अपना पहले CNIC एंटर करना है विदाउट डैशेस, उसके बाद कंटिन्यू एंड नेक्स्ट। मैंने अपना जो है ना CNIC एंटर किया, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव स्मार्ट कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC। कैंडिडेट विल ड्यूअल नेशनैलिटी, विल हैव टू सरेंडर द ओरिजिनल नेशनैलिटी बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, ठीक है। जिन स्टूडेंट की ड्यूअल नेशनैलिटी है, ठीक है, उनको एक नेशनैलिटी जो है ना जो ओरिजिनल नेशनैलिटी है वो इनको जो है ना सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, मतलब उसको सरेंडर करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है एलिजिबल कंडीशंस, ठीक है, ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है ना आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है ना ऐसी, तो आपके सामने जो है ना एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि मेरे सामने आ चुका है, क्योंकि मैं GDP में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अप्लाई पे आपने क्लिक करना है, ये मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया। और अब मैंने यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करना है, मुझे जो सेंटर करीब पड़ता है वो मुझे रावलपिंडी सेंटर करीब पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी, इसका जो है ना लिंक आपको ऑफिसर, ठीक है, उसका जो है लिंक आपको मिलेगा। CNIC ये मेरा एंटर हो गया, यहाँ पे मैं अपना नेम फादर नेम CNIC, उसके बाद मदर नेम मदर CNIC, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। क्योंकि ये गलत लिखी हुई है मेरी, तो ये वैसे ही उन्होंने खुद ही से लिखी है, ठीक है। हाइट भी ये गलत है, ठीक है। उसके बाद जो है अनमेरिड तो ठीक है, बाकी फादर ऑक्यूपेशन ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में नहीं। मिस हेल भी गलत है, पंजाब का हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड फॉर चेकिंग रिजल्ट फिर करनी है, एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो है ना मेरी FSC, उसके बाद जो है ना स्लैश जो साइंस में की है, ठीक है। उसके बाद ये प्री मेडिकल में की है मैंने, पासिंग ईयर ये 2022 मार्क्स ऑब्टेन जितने भी हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिखने हैं क्योंकि अभी आपने। उसके बाद आई एम नॉट आ रिपोर्ट और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस था, उसके बाद आप यहीं से जो है ना अपनी रोल नंबर स्लिप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो मियाँ रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।